देखिए महेंद्रगढ़ जिले के कुछ युवा साथी अपनी डिमांड लेकर के आए हैं। संदीप सिंह जी से जानते हैं कि किस तरह की डिमांड है। ये काफ़ी युवा परेशान है और इनके पास अपनी आस लेकर के आए हैं। उनसे थोड़ा सा जानेंगे सर, काफ़ी युवा आए हैं, काफ़ी परेशान हैं और अपनी मांग को लेकर के आए हैं, किस तरह की क्या? सैनी साहब, मेरी 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई थी तो मैं खिड़की गाँव में गया हुआ था, तो सोनी जी और पूरा इनका जो वॉलंटियर्स है सब मुझे मिले। तो अपने हरियाणा में जैसा कि मुझे जानकारी मिली है 8500 CPLOs हैं, यानी कि पंचायत लोकल ऑपरेटर्स, अभी पिछले दिनों सरकार ने जो भर्ती की थी। मेन चीज़ उसमें देखने वाली बात यह है कि दो एग्ज़ाम्स हुए, प्रीम्स और मेंस, और वो भी बड़े टफ एग्ज़ाम्स थे, हाई लेवल के एग्ज़ाम्स थे, और वो इन्होंने सबने क्लियर किए। ये पहली बात है, ये इस कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र हैं सभी के सभी जिन्होंने ऐसे टफ एग्ज़ाम को क्लियर किया। अभी मेन जो डिमांड इनकी ये है कि जो ऐड हुई थी, जो ऐड आई थी उसमें इनकी जो पे सैलरी जो मिलनी थी वो क्लियर नहीं था कुछ भी, और काम बहुत ज़्यादा है, पंचायत का काम भी सारा इन्हीं को करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका परिवार पहचान पत्र और अन्य एक्स्ट्रा ETC काफ़ी काम इनके सपोर्ट किया जाता है, और बड़े तन मन से ये काम करते हैं। ये नॉलेज अच्छी है सभी को। हमारी सरकार से पुरजोर अपील है, हमने पहले भी सरकार से अपील की थी और हमने लेटर भी भेजा था CM साहब को। हमारी दोबारा सरकार से पुरजोर अपील है कि इलेक्शंस के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही है, अभी तो कुछ हो नहीं पाएगा, इलेक्शंस के बाद पहली बात तो ये है कि आप सभी यहाँ को रिप्रेजेंट करेंगे महेंद्रगढ़ को, क्योंकि आप सब जीतने जा रहे हैं इस बारी इलेक्शंस, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबका हमारे साथ साथ है। तो हमें कहीं भी किसी दूरी तक भी जाना पड़े अपने CPLOs के लिए, वो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है, और हम जाएंगे, और हमारा वायदा है हमारे CPLOs से, पूरे हरियाणा के CPLOs से हमारा आज ये वायदा है। ओपन सभा में हम बोल रहे हैं, आपके चैनल के थ्रू बोल रहे हैं, हम पावर में आते ही सबसे पहले विद इन ए मंथ CPLOs का जो ग्रेड है वो हम बेस्ट ग्रेड लेके आएंगे, मिनिमम वेज से भी ज़्यादा ग्रेड वो लेके आएंगे, ये हमारा बात। सर क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से ये समस्या है आपको? देखो सर, हम इस लगभग हमको 5 महीने हो गए ज्वाइनिंग किए हुए, और लगभग जो भी पंचायत का जो भी काम होता है वो सब हम ही करते हैं, छोटे से लेके बड़ा काम लगभग हर काम हमको ही करना पड़ता है। लेकिन जब हमारा पे स्केल हम देखते हैं, हमारी जो सैलरी देखते हैं, उसको देख के एक प्रकार से रोना जैसा आ जाता है कि 6000 में मतलब 200 रुपये दिन की दिहाड़ी, उसमें हमको मतलब पूरी तरह रगड़ा जाता है। हर काम जो होता है वो हमारा ही होता है, लगभग ऑनलाइन जो भी होता है ना, पोर्टल का काम सर लगभग हम ही करते हैं। तो ये काम देख के सर थोड़ा रोना सा आ जाता है कि हम इस काम के लिए लायक तो नहीं थे, इसलिए तो हमने इतनी पढ़ाई नहीं की होगी। लगभग जो ये वैकेंसी निकली थी जी +2 लेवल पे थी, विद कंप्यूटर जिसके पास नॉलेज हो वो ही भर सकते थे, मतलब 10th लेवल की थी, वो थी भी नहीं। उसके बाद में सर 2 एग्जाम हमने दिए, एक प्री दिया एक मेंस दिया सर, सेकंड वाला विद नेगेटिव मार्किंग दिया। सब जॉइनिंग आई तो लगा कि हाँ भाई लड़का लग गया, मैं घर में भी खुशियाँ हुई कि भाई चलो कोई तो लगा। जब वो ऑफर लेटर हमने देखा तो सर सिर्फ 6000 रुपये सैलरी वहाँ पर लिखी हुई थी। हमने सोचा हो सकता है कोई टाइपिकल मिस्टेक हो, 6 की जगह शायद 26 हो, शायद 16 हो, लेकिन जब हम वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए तब हमको पता चला कि तो सच में ही 6000 है। तो सर ये देख के हमको थोड़ा लगा कि 6000 में क्या होगा। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने ज्ञापन नहीं दिया हो, हर जगह हम मतलब जाके आ चुके, जो हम बेस्ट जो कर सकते हैं, जिन जिन के पास हम जा सकते हम सब जगह जाके आ गए। सबको हमको मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमको अब तक नहीं मिला है। काम हमारे पास दुनिया भर का है लेकिन सैलरी सिर्फ 6000 रुपये, उसके अलावा ना तो हमको कोई सीटिंग वगैरह दी गई है। अपने मोबाइल से काम करते हैं, अपने नेट से काम करते हैं, अपना बाइक का तेल लगा के काम करते हैं, पूरे दिन जी हम काम करते हैं। अब आप बताओ सर 6000 में कैसे गुजारा करें? हम छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि कल को क्या पता, देखो उम्मीद तो है कि भाई पॉजिटिव की कल को क्या बता इनकम जो है वो बढ़ जाए, लेकिन 6000 में सर कब तक हम सर्वाइव करेंगे? तो आप इसीलिए मतलब संदीप जी के पास आए हैं कि कोई ना कोई समाधान हो सरकार जी, जिससे आस होती है ना सर उसी पे मतलब सब कुछ होता है। हमको सर से पूरा विश्वास है कि जो हम बात ये लेके आए हैं ना, ये हमारी बात एक राजनीतिक मुद्दा जो है ये मतलब ये बड़ा जो हमारी मांग है वो सर के थ्रू हम सरकार के थ्रू सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तो जी हमको जॉब सिक्योरिटी दी जाए, दूसरी सिर्फ हमें जो पे स्केल है हमारा मिनिमम जो पे स्केल है हमको वो दिया जाए। सर 6000 रुपये में कैसे गुजारा करें? घर भी इतना को तो जी दूध हो जाता है। कई जो हमारे जो गाँव की महिलाएँ वो कह देती है इतना को तो हम उपला बेच दें, हाँ जितना तुम सैलरी कमाओ। अब बताओ जी कैसे गुजारा करें 6000 रुपये में? ये जी हमारे मेन मुद्दे की बात यही है। तो कितने युवा हैं अपने जिले से है? देखो जी अपने जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और जो पूरे हरियाणा से, उनमें लगा के 7500 तो जी है गांव से,
उसके अलावा शहरों में अलग से दोबारा वैकेंसी निकाली गई, उसमें जी 792 शहर से है और 1500 और वैकेंसी निकाली गई। पेपर फीस थी जी 1000 रुपये, 1000 रुपये हमने भरी है जी। किसी एग्जाम की 1000 रुपये फीस नहीं होती, लेकिन हमने 1000 रुपये फीस दे के 2 एग्जाम दे के 6000 रुपये ले रहे हैं जी। ये है जी हमारी आज की युवाओं की कंडीशन, आप बताओ जी क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, सारे युवा इसी को लेके आए। हाँ जी सर। सर हमारा क्या है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था इसका, और फिर 17 जनवरी को फ्री था, और फिर 4 मार्च को था हमारा, नहीं फरवरी को था मेंस, नेगेटिव मार्किंग थी और एआई लेवल का एग्जाम था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना वो सिलेबस था हमारा। और जब रिजल्ट आया तब हमें लगा भाई चलो कुछ एरर होगा इसमें, क्या कई बार गवर्नमेंट कह देते भाई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है। हमारे जो फर्स्ट महीने का आया था ना वो 6000 रुपये आया, तब हम पता चला भैया तो 6000 ही दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा तो सर गांव के जो पंचायत में सफाई करते हैं ना वो भी बोल देते हैं, हाँ वो भी बोल देते हैं भाई तू मेरे साथ कर सफाई, तू पंचायत संभाल रहा है। सैनिक साहब वाकई में बड़ी विकट समस्या थी, लेकिन आज हमने इनसे प्रॉमिस किया हमारे सभी सीपीएलओ से, केवल अपने महेंद्रगढ़ जिले के नहीं पूरे हरियाणा के सीपीएलओ से, देखिए जॉब सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैनिफेस्टो में भी आपने, हाँ जी बिल्कुल, आपसे डेवलपमेंट जॉब्स हमारा प्रायोरिटी ये है, और हमने सीपीएलओ से जब हमारे को फ़ोन पे बात की हमारे से मिले तो हमने इसे प्रॉमिस किया है जैसे हम पावर में आते हैं सबसे पहले विद इन ए मंथ मिनिमम जो पे स्केल है वो इनको मिलेगा, और साथ साथ जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, और अन्य जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं इनके लिए कि भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना हो ये, ताकि घर में जाके प्रेशर ना रहे इनके माइंड के ऊपर, एक लिमिट में काम दिया जाए इनको और वो काम भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चाहे एक्स्ट्रा सीपीएलओ हमें ज्वाइन करवाने पड़े और भी एक्स्ट्रा पोस्ट निकालनी पड़े, लेकिन काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो आज हम अपने पूरे सीपीएलओ से, पूरे हरियाणा के सीपीएलओ से हमारा ये वायदा है कि 1 महीने के बाद जैसे ही आप पावर में आओगे तो आपकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। देखिए काफ़ी युवा जो है महेंद्रगढ़ जिले से और महेंद्रगढ़ के आसपास के गांव के ही हैं, लोकल यहां इस क्षेत्र के लोग हैं, और काफ़ी परेशानी है इनको क्योंकि 6000 की एक तनख्वाह मिलती है तो 6000 में कैसे घर का गुजारा चले। तो ये अपनी आस लेकर के पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के पास आए हैं, और उन्होंने वादा भी किया है कि जब ये पावर में आएंगे तो इनकी जो सैलरी है और इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द करवा पाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइन उसके साथ, नमस्कार।